तमिलनाडु विधानसभा में सेतु समुद्रम प्रस्ताव पारित। साधु संतों ने जताया विरोध। किस आशंका में घिरे साधु संत? तमिलनाडु विधानसभा में सेतु समुद्रम प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पारित किया। विधानसभा में इस पर हो रही बहस के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम करुणानिधि की बातों को भी याद किया। सीएम एमके स्टालिन ने प्रस्ताव पारित करते वक्त कहा कि इससे राज्य को काफी लाभ मिलेगा, इससे राज्य का काफी विकास भी होगा, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इस परियोजना से राज्य को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा। लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होते ही इसका विरोध भी होने लगा है। सेतु समुद्रम परियोजना को लेकर संत समाज ने विरोध जताया है। साधु संतों के मुताबिक इस परियोजना के चलते राम सेतु को नुकसान होगा, जिसको लेकर उन्होंने अपना कड़ा विरोध जताया है। जितने भी पुरानी चीजें हैं, जितने भी हैं, उन सब को ये लोग तोड़ के खंडित करके नष्ट करने का कुचक्र रच रहे हैं। ये लोग हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा निर्मित, उनके सेना द्वारा निर्मित, जो कि ऐसी विश्व धरोहर है वो राम सेतु, उसको तोड़ने का मात्र ये कुचक्र है इनका। और हम सनातनियों को किसी न किसी रूप से अपमानित करिए, मात्र और मात्र जो है वोट की राजनीति हो रही है। किस तरीके से जो है एक विशेष वर्ग जो है हमको वोट देगा। देखिए, ये हमारे आस्था का सवाल है, प्रभु रामचंद्र जी द्वारा निर्मित उसका सवाल है। इसलिए आप लोग कृपया जो है राम सेतु को तोड़ने का, किसी भी तरह का क्षति पहुंचाने की कतई बात न करें। ये हम सनातनियों को, हम हिंदुओं के द्वारा असहनीय होगा। और इस तरह का बयानबाजी आप लोग कतई न करें, चाहे कोई भी नेता हो। ये आप लोग स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। संतों को आशंका है कि ये विश्व धरोहर को तोड़ने की एक चाल है, साथ ही संत इसे आस्था से भी जोड़कर देख रहे हैं। भारत का गौरव छिपा हुआ है राम सेतु में, और हमारे देश की महानता की गौरव गाथा है राम सेतु। इसलिए राम सेतु को तोड़ना मतलब यह है कि भारत के एक बहुत बड़े इतिहास को मिटाना होगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य तमिलनाडु सरकार से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि राम सेतु से छेड़छाड़ न किया जाए। अगर राम सेतु तोड़ेंगे तो हम साधु संत जो है सबसे पहले वहां उतरेंगे, पहले हम लोग सीने पर गोली खाएंगे, इसके बाद राम सेतु टूटेगा। राम सेतु को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। राम सेतु हमारे राष्ट्र का गौरव है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ा हुआ अति प्राचीन जो है वह सेतु है, और पूरे विश्व में उस पर चर्चा होती है, और उससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया था जो आज भी है। जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते हैं उनके मुंह पर वो तमाचा है। इसलिए राम सेतु को किसी भी कीमत पर हम सनातनी हिंदू तोड़ने नहीं देंगे। अब संत समुदाय ने तमिलनाडु सरकार को चेतावनी दी है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो साधु संत भारी संख्या में तमिलनाडु पहुंचेंगे। बिल्कुल, प्रस्ताव वापस लेने उनको लेना चाहिए। अगर प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो फिर भारी संख्या में साधु संत वहां पहुंचेंगे। सेतु समुद्रम को लेकर देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। साधु संतों का ये विरोध किस स्तर तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।